जिंदाबाद 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 जय मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद मुखिया जिंदाबाद जय 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 मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जय मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सभी जनप्रतिनिधि अब दमखम से लगे हुए हैं और आपको बता दें कि वो जनता के पास जाकर रूबरू भी हो रहे हैं और वोटों की अपील भी कर रहे हैं और साथ ही उनके द्वारा कई सारे वादे भी किए जा रहे हैं कि अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में रोहतास जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियाँ जो है वो तेज है और बीते दिन दिनारा प्रखंड बात करें दिनारा प्रखंड की तो 29 नवंबर को 9वें चरण का मतदान होना है। इसी कड़ी में करहंसी पंचायत के वर्तमान मुखिया धनंजय कुमार सिंह से हमारे संवाददाता श्रेणी पांडे ने क्या कुछ खास बातचीत की है, आप सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें दिनारा प्रखंड की तो 9वें चरण में 29 नवंबर को यहां पर मतदान होना है। लिहाजा जो इस समय की अगर बात करें तो कई प्रत्याशी हैं अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, कई प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है और प्रत्याशी अभी से ही अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करहसी पंचायत में और करहसी पंचायत की अगर बात करें यहाँ के मुखिया रहे धनंजय कुमार सिंह अभी भी पूरी तरह से जो है अस्वस्थ दिख रहे हैं। कई लोगों का हुजूम है, कई लोग इनके समर्थन में हैं और इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने बीते अगर 5 वर्षों की बात कर ले तो 5 वर्षों में इन्होंने क्या कुछ विकास किया है ये सब इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले धनंजय जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पूरी तरह से अस्वस्थ दिख रहे हैं और कई लोगों का हुजूम अभी से ही आपके पीछे है, इस बार क्या जनता आपकी चुनाव लड़ रही है? जी, हमारी तो जनता ही चुनाव लड़ रही है क्योंकि आप देख रहे हैं जो हमारा दमखम दिख रहा है आपको प्रत्यक्ष रूप से पता ही चल रहा होगा क्या है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी ग्राम पंचायत करहंसी की जनता है जी, वो खुल करके हमारे इस बार ऐसा चुनाव चल रहा है कि खुल कर मेरे साथ आई है। जो मैंने पिछला चुनाव लड़ा था उस चुनाव के मुकाबले मैं बहुत ही खुश हूँ और ग्राम पंचायत करहंसी के 7-8 गांव ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही पूरी तरह मेरे समर्थन में आया है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वोट से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। जी जी, आप बात तो की कि मैंने बहुत ज़्यादा वोटों से मैं जीतने जा रहा हूँ, लेकिन आपने मनरेगा से सवाल आपसे ले लेते हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत आपने मनरेगा के तहत कितना कार्य किया बताना चाहेंगे? मिलाकर सबसे ज़्यादा इस पंचायत में विकास हुआ है तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से ही हुआ है, क्योंकि जो सरकार की फंडिंग है 15वीं है, 14वीं है और 7 निश्चय की जो फंडिंग है, तो नल जल की जो व्यवस्था सरकार ने किया था, आधा पैसा लगभग हमने नल जल में खर्चा किया, आधा से अधिक ही कहिए, तो जो विकास करने के लिए नली गली ढलाई पर नली गली पक्की करने के लिए जो व्यवस्था थी हमारे पास पैसे कम थे। जी जी, तो हमने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से लगभग पूरे पंचायत में हमने 1 करोड़ का काम किया है। जी जी, और ये हमारे पंचायत के लिए 10 साल पहले का और आज के कार्यकाल का ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी, हमने यहाँ 5 साल हम समझ रहे थे कि हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे पूर्व मुखिया जी थे, हमने सोचा था कि उनसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं अगल बगल जो ग्राम पंचायत के पुराने मुखिया थे उनसे मैंने सीख लिया और अपने मनरेगा में काफ़ी, ये आपका दिनारा प्रखंड बताएगा कि हमने मनरेगा में क्या किया है। जी, कोरोना महामारी की बात रही तो कोरोना महामारी में जब हमारे बाहर के लोग आना शुरू हुए जी, तो हमारे दिमाग पर एक टेंशन बन गया कि आखिर मैं अपने ग्राम पंचायत को किस तरह से हैंडल करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ के बाहर रहते हैं और सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, तो इसमें मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चलने की, यहाँ के लोग खाली रहेंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। तो हमने एक अभियान चलाया जो कि मेरा 5 साल के कार्यकाल में ये सबसे बड़ा अभियान था। हमने ग्राम पंचायत करहंसी में जितने भी हमारे मजदूर यहाँ उतरे थे जो बाहर काम करने वाले थे, जी जी, मैं सारे जितने भी हमारे कराह थे, पोखर थे, हमने सबका एस्टिमेट बनवाया और सारे जगह पर अपना काम चालू कराया। जैसे करहंसी में है तो मैं करहंसी के मजदूरों को
प्रवासी की तरफ से काम चालू कराया, निरंजनपुर में है तो निरंजनपुर गांव का काम चालू कराया। इस तरह से हर गांव में हमने कार्य का व्यवस्था किया और लग रहा है कि सारे मजदूर खुश थे। एक महीना डेढ़ महीना में दो दो हज़ार कोई कमा रहा है, कोई 8,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है। ऐसे में सारे यहाँ के जो मजदूर थे बहुत ही खुश थे और बहुत शांतिपूर्वक हमने कोरोना महामारी का सामना किया। मैं नुखा जा रहे हैं तो यहाँ मैं ऐसा व्यवस्था कर दूँ कि मेरे गरीब के बच्चे 400-300 में पढ़ लें। जी जी। और मैंने एक स्कूल का निर्माण किया जो कि बड़ा स्कूल बना है। जी जी। और स्कूल का मैंने निर्माण किया जो कि कोरोना महामारी में हमारा काफ़ी नुकसान भी था। जी। तो इस स्कूल में हमारे पंचायत के और लगभग अदर पंचायत से भी हर एक गांव से हमारे बच्चे आते हैं और 450-450 में शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमने बाहर से भी टीचर बुलाया है, दार्जिलिंग से बुलाया है, कलकत्ता से बुलाया है। तो मेरा सोच ऐसा है कि मैं कम पैसे में अपने विकास के बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे सकूं जो कि हमारे पंचायत के, हमारे प्रखंड में, हमारे देश का नाम रोशन कर। मतलब कि आधुनिक शिक्षा मिल रही है? बिल्कुल, कम पैसे में। बिल्कुल, हमारी जनता बताएगी। जी जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा की बात हुई, अब सिंचाई की बात कर लेते हैं। चूँकि रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे में आपने किसानों के लिए कुछ किया? सर, किसानों के लिए मैंने जहाँ भी हमारी किसान की डिमांड होती है कि यहाँ मोरी लगवाना है, यहाँ गाडवाल जोड़ना है, खाद की व्यवस्था कुछ करानी है, तो मैंने संपूर्ण खाद का व्यवस्था नहीं करा पाया हूँ, लेकिन जहाँ दिक्कत है मैं वहाँ खड़ा जरूर हूँ। और हमारे किसान भाई पीछे खड़े हैं, क्योंकि गांव के साइड आप जाइएगा तो ज़्यादा किसान से ही भेंट होगा आपको। तो हमारे किसान भाई खड़े हैं और आपको बताएंगे कि हमने किसानों के लिए क्या किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में से एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है नल जल योजना, उसकी स्थिति क्या रही आपके पंचायत क्षेत्र में? जी, हमने जो कार्य किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो मेरा पहला कार्य था जो कि 5 नंबर का था, जो हमें ट्रेनिंग नहीं मिला था उस समय, सर अपने हिसाब से ठेकेदार आए काम कर रहे थे, उसमें थोड़ा हमको काफ़ी परेशानी हुई, सुधारने में भी परेशानी हुई। लेकिन जब मैं अपने हिसाब से कार्य करने लगा तो आज 7 निश्चय नल जल योजना का ही देन है कि करौसी पंचायत में पानी मिल रहा है। न तो यहाँ मार्च अप्रैल के महीने में सारे कल नल सूख जाते हैं, वहीं एक ऐसा व्यवस्था है कि जो हमारे पंचायत में पानी की व्यवस्था कर रहा है। अच्छा, PCC ढलाई की बात कर लेते हैं, क्या हर गाँव के वार्डों में PCC ढलाई आप करवा चुके हैं? मैं, हमारे पंचायत में 14 गांव हैं। मैं मानता हूं कि मैंने 14 गांव में लगभग 80% कार्य खत्म कर दिया है। जी। PCC के माध्यम से मैंने 80% गांव में कार्य खत्म किया है, 20% मेरा जो कार्य बचा है, मैं विश्वास और आशा के साथ कह रहा हूं कि अगला चुनाव में जो मैं जीत के जाऊंगा तो मेरे पास अब कुछ करके करना पड़ेगा जनता से कि मैं क्या करूँ, कौन सा गली करूँ। जी। और आप, मैं चाहूँगा कि आप मेरे गाँव को एक बार घूम करके देख लीजिए कि मैंने क्या किया है। जी। अच्छा, आगे यदि जनता दोबारा आपको जीत दिला देती है, मत देती है, तो क्या कुछ फोकस रहेगा, क्या करेंगे? सर, इस बार मेरा सोच है कि मैं कम से कम अपने गांव में, अपने पंचायत के हर एक गांव में, हर मोड़ पे, हर चौक चौराहे पर सोलर लैंप का व्यवस्था करूं। इसके बाद मैं हर गांव में मैं CC कैमरा का व्यवस्था करूंगा, क्योंकि जो हमारी महिलाएं रात में बाहर जाती हैं घूमने के लिए, शौच करने के लिए नहीं, क्योंकि मैंने शौच का व्यवस्था बहुत पहले कर चुका हूँ। और ये सरकार जो मेरा ODF का व्यवस्था किया था, तो मैं दिनारा प्रखंड का 2nd ODF कराया था, वो भी पूर्ण रूप से सफाई के साथ, सफाई के साथ। और ये दिनारा प्रखंड के हर अफसर जानते हैं कि धनंजय मुखिया क्या किया है ODF में। तो मैं चाहूँगा कि जो महिलाएं हमारे 4 बजे भोर में टहलने जाती हैं, मेरी बेटी बहनें टहलने जाती हैं, तो कम से कम ऐसा हो कि मेरे नज़र में CCTV कैमरे की निगरानी में रहे, ताकि उनको काफ़ी परेशानी ना झेलना पड़े। बात कर रहे हैं शिक्षा की, क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा की कमी है, 21वीं सदी चल रही है, गरीब के बच्चे जो होते हैं उनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, महरूम रहते हैं आधुनिक शिक्षा से। कई लोग होते हैं संपन्न परिवार से होते हैं, अपने बच्चों को भेज देते हैं शहर में, बच्चों को आधुनिक शिक्षा का लेकर के प्राइवेट विद्यालय में नामांकन करा लेते हैं। लेकिन बात करें, गरीबों की बात की जाए, बच्चे जो हैं उनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती है, इसको लेकर आपने क्या कुछ पहल किया? सर, मैंने तो पहले अपना सरकारी जो स्कूल है उस पर फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? यहाँ से जो हमारे बच्चे नोखा जा रहे हैं, सासाराम जा रहे हैं, दिनारा जा रहे हैं, उसके लिए मैं अपने दिमाग से एक मैंने कार्य सोचा। और मैंने ये सोचा कि जो हमारे बच्चे 1200 रुपये में
1200 रुपए में नुखा जा रहे हैं जी। तो यहाँ मैं ऐसा व्यवस्था कर दूं कि मेरे गरीब के बच्चे 400-300 में पढ़ लें जी जी। और मैंने एक स्कूल का निर्माण किया जो कि बड़ा स्कूल बना है जी जी। और स्कूल का मैंने निर्माण किया जो कि कोरोना महामारी में हमारा काफ़ी नुकसान भी था जी। तो इस स्कूल में हमारे पंचायत के और लगभग अदर पंचायत से भी हर एक गांव से हमारे बच्चे आते हैं और 450 रुपये 450 रुपये 350 रुपये में शिक्षा अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमने बाहर से भी टीचर बुलाया है, दार्जिलिंग से बुलाया है, कलकत्ता से बुलाया है। तो मेरा सोच ऐसा है कि मैं कम पैसे में अपने विकास के बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे सकूँ जो कि हमारे पंचायत के हमारे प्रखंड में हमारे देश का नाम रोशन कर। मतलब कि आधुनिक शिक्षा मिल रही है बिल्कुल कम पैसे में। बिल्कुल हमारी जनता बताएगी जी जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा की बात हुई, अब सिंचाई की बात कर लेते हैं। चूंकि रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे में आपने किसानों के लिए क्या कुछ किया? सर, किसानों के लिए मैंने जहाँ भी हमारी किसान की डिमांड होती है जी, यहाँ मोरी लगवाना है जी, यहाँ गार्डवाल जोड़ना है जी, खाद की व्यवस्था कुछ करानी है, तो मैंने संपूर्ण खाद का व्यवस्था नहीं करा पाया हूँ, लेकिन जहाँ दिक्कत है मैं वहाँ खड़ा जरूर हूँ जी। और हमारे किसान भाई पीछे खड़े हैं, क्योंकि गांव के साइड आप जाइएगा तो ज़्यादा किसान से ही भेंट होगा आपको, तो हमारे किसान भाई खड़े हैं और आपको बताएंगे कि हमने किसानों के लिए क्या किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में से एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है नल जल योजना, उसकी स्थिति क्या रही आपके पंचायत क्षेत्र में? जी, हमने जो कार्य किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो मेरा पहला कार्य था जो कि 5 नंबर का था, जो हमें ट्रेनिंग नहीं मिला था उस समय, सर अपने हिसाब से ठेकेदार आए काम कर रहे थे, उसमें थोड़ा हमको काफ़ी परेशानी हुई, सुधारने में भी परेशानी हुई, लेकिन जब मैं अपने हिसाब से कार्य करने लगा तो आज 7 निश्चय नल जल योजना का ही देन है कि करासी पंचायत में पानी मिल रहा है। इससे पूछिए, खैर आप भी बताएं, हम बुजुर्ग से तो कुछ नहीं। यहाँ जो भी 60 साल की उम्र में चले गए हैं जी, घर से एक एक कागज निकाल करके मैंने पेंशन किया जी जी। अच्छा, अब बुजुर्गों की बात हुई, अब महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि अमूमन गांव की अगर बात कर ले तो घरेलू हिंसा के शिकार होती है महिलाएं, महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप और जीतेंगे इस बार तो क्या करेंगे महिला के लिए? हमारी महिलाएं यहां सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं जी। आप यहां घूम कर देखिएगा और महिलाओं से बात कीजिएगा तो हमारी महिलाएं खुद आपको बताएगी कि हम किस तरह से यहां रहते हैं, क्योंकि मैं कम से कम पंचायत गांव में सप्ताह में 2-3 बार जरूर चक्कर लगाता हूं जी, और उनकी समस्या को उनकी परेशानी को मैं समझता हूं कि उनको तकलीफ ना हो जी जी। और मुझे बच्चे समझ करके, एक बच्चा समझ करके मुझे हर चीज़ लोग बताती हैं जी जी। और जो भी उनके साथ परेशानियां होती हैं मैं उनको दूर करता हूं। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करिएगा, क्या किया है पहले? सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अभी हमारे यहाँ कोई एक हॉस्पिटल पूर्व में बना था जो कि बहुत जर्जर स्थिति में है जी। हमने जो हमारा कार्यकाल का 2nd साल भी था उसमें DM के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमने एक प्रस्ताव दिया था, एक लेटर मैंने आवेदन दिया था कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था है, डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था की जाए और उसको मरम्मत किया जाए, वहाँ एक पुल का निर्माण करना है जो कि मेरे माध्यम से हो जाएगा, लेकिन अभी तक DM के पास से मेरा कोई वो सुझाव नहीं आया है। फिर भी लड़ाई जारी है? जी बिल्कुल जारी है, और मैं स्वास्थ्य के लिए एक और काम करूँगा, इस बार मैं अपने तरफ से एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करूँगा जो कि हमारे पंचायत को जनता के लिए बीमारी में कोई परेशानी ना हो और हमारी पंचायत की जनता यहाँ से सुरक्षित, और उसमें कोई तेल भरवाने की भी जरूरत नहीं है जी जी। मैं खुद उसकी व्यवस्था करूंगा जी। अच्छा, जनता से क्या अपील रहेगी दूसरी बार? जनता से मैं पहले तो जो भी हमारे यहाँ की जनता है मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और कल मुझे ये जरूर पता चला है ये संपूर्ण रूप से जनता मेरे साथ है जी। ये मेरा दिल कहता है कि बहुत ही मैं बड़ा मेहनत जीतने जा रहा हूँ। कल मेरा जो कुछ था, जो मैंने कार्य अपनाया था, उसमें मैं 100% सक्सेस हुआ और मैं चुनाव बहुत ज्यादा वोट से जीतने जा रहा हूँ। काफी उत्साहित नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पिछले बार सर, पिछले बार मुझे टेंशन था, मेरे गांव के जब मैं बाहर रहता था जी, मुझे यहाँ दूसरे नियत से देखा जा रहा था जी, क्योंकि मेरा कार्य दूसरे तरह का था जी, जी। तो दूसरे नियत से देखा जा रहा था मुझे जी, लेकिन यहाँ परख मेरे को यहाँ की जनता परख नहीं पाई थी, यहाँ की जनता बोल नहीं रही थी, यहाँ के वोटर बोल नहीं रहे थे, सस्पेंस में थे। जब भी मैं जाता था तो कुछ कोई ये कह रहा था कि आप मुखिया बनोगे नहीं बनोगे, वोट बेकार जाएगा, लेकिन इस बार हमारी जनता का ये दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि हमारी जनता बिल्कुल ही स्वस्थ है जी जी। जनता स्वस्थ है, आपके जनता से पूछ लेते हैं। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया था कि कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि पंचायत के जितने भी पंचायत सरकार भवन है जिले में
या राज्य में जितने भी हैं उन सभी पर आरटीपीएस काउंटर संचालित किए जाएंगे, ताकि जो प्रखंड की दूरी होती है अमूमन दूर होती है और लोगों को जाने में ज़्यादा समय लगता है, ऐसे में आपके पंचायत में, पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर क्या स्थिति है, किस तरीके से चल रहा है? सर, मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन अभी नहीं बन पाया है। मैंने अपने पंचायत भवन पर आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था कर दिया है। स्टाफ की अभी कमी है, इसके वजह से स्टाफ कम आ रहे हैं। जी जी। और हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ आरटीपीएस काउंटर चलेगा और लोगों की परेशानी दूर होगी। आपके साथ कई युवा दिख रहे हैं आसपास जो कि आपके समर्थन में हैं, तो इस बार युवाओं के लिए आप क्या कर पाएंगे? मेरा सोच है कि मैं युवाओं के लिए जो रोजगार की व्यवस्था हो रही है, युवा हमारे युवा जो पंचायत में बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ ऐसा उद्योग लगाऊंगा, ऐसा कार्य करूंगा जिससे कोई यहाँ रुक जाए और अच्छी तरह से वो कमाए जी, अपने परिवार का जीवन बन। क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, कई लोगों का पलायन हुआ, ऐसे में कयास लगाया कि जितने जनप्रतिनिधि हैं सब युवाओं को जो है अपने ही क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित कराएंगे, ऐसा मोटो आप रखे हैं क्या? सर, मेरे यहाँ तो एक सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ऐसा योजना दिया है कि मैं 8 महीने चाहूँ तो 1000, 8 महीने, ये बड़ा पंचायत है, 8 महीने 1000 मैं वर्कर को कार्य दे सकता हूँ। दे सकते हैं जी। धनंजय मुखिया दूसरी बार चुनाव मैदान में है, कैसा कार्यकाल इनका रहा? कार्यकाल तो पहले की अपेक्षा, जो भी पहले प्रतिनिधि थे उनके अपेक्षा तो शॉर्ट समय में 5 साल मिला, उसमें 2 साल कोरोना रहा, 3 साल में तो लगभग काम जो हम लोग चाहते थे वो काम हो गया है। अपेक्षा है इनसे विकास का? जरूर अपेक्षा है, इसलिए कि कार्य जो भी क्षमता है वो युवाओं के हाथ में होती है जी, बुजुर्गों से युवाओं के पास काफ़ी ऊर्जा है जी, और जो ऊर्जा जितना लगाएगा उतना सफल होगा। ऊर्जावान व्यक्ति है? ऊर्जावान व्यक्ति। नाम बताएंगे अपना? योगेंद्र है। आप यहाँ पर जो है किस तरीके से देखते हैं धनंजय जी को, जो कि दूसरी बार चुनाव मैदान में है? योग व्यक्ति है, हाँ, नया है, इसमें कार्य करने की क्षमता है और 5 साल में बहुत से काम किए हैं। अपेक्षा है कि आगे कभी काम करेंगे? क्या लगता है, इतिहास दोहरा पाएंगे? लगता तो यही है, हम लोग उनके साथ हैं जी, सारा गांव उनके साथ है, हम चलबे करेंगे। नाम बताएंगे अपना? शिव सुंदर राय। दूसरी बार मैदान में, ठीक बा? कार रोज खिलवाना? अच्छा, हाँ हाँ, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया काम करता। एजा से एक और प्रत्याशी भी बाँ? हाँ, वो जैसे बुजुर्ग बाँ जी, लेकिन काहे उनका कहना आएगा, काहे समर्थन? नया बाँ काम कर अपना की मन का समर्थन, मेहनत करे ले जी, हाँ खूब दिन जी। नाम बताइए अपना? आप शिक्षक रहे हैं, रिटायर कर गए हैं, किस नज़रिए से धनंजय मुखिया को देखते हैं, क्या रहेगा इस बार? जो कार्य किए हैं वो 5 साल में वो दूसरे मुखिया से 20 बरस में नहीं होगा, इतना काम कर दिए हैं, पूरे गांव पीसीसी हो गया है, जवार में भी पीसीसी करा दिए हैं, इसलिए हम लोग इनको अपने तहे दिल से वोट दे करके जिताएंगे। नाम बताएंगे अपना? आप युवा दिख रहे हैं, युवा के तौर पर धनंजय मुखिया किस तरीके से देखते हैं, कैसा कार्यकाल रहा इनका? 5 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत ही सराहनीय रहा। यहाँ अभी स्थिति यह है कि बहुत सारे मैदान में मुखिया प्रत्याशी हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो कि जीते हुए प्रत्याशी हैं, कोई किसी का 10 साल का कार्य क्षेत्र रहा, किसी का 4 साल का, 5 साल का रहा, यही 5 साल का इनका कार्य क्षेत्र रहा। उस नज़र से देखा जाए तो तुलना की जाए तो इनका कार्य क्षेत्र जो है 5 साल का बहुत ही भारी पड़ा है। और मैं एक निवेदन करूँगा अपने वर्तमान मुखिया जैसे धनंजय राय जी से कि किसानों के लिए अगर अब की आप चुनाव जीतते हैं तो ना हमारा कैनाल तो पीसीसी हो गया है, करहा जितने सारे किसान भाई का करहा है उन पे ध्यान दे, उसका भी पीसीसी करण कर दे जी। अपेक्षा है उनसे? अपेक्षा है, कर देंगे। आप युवा हैं, युवा के तौर पर धनंजय मुखिया किस तरीके से लगते हैं, कैसा कार्यकाल रहा? युवाओं के प्रति जो मेरे मुखिया हैं वर्तमान मुखिया धनंजय राय जी, इनका इतना जोश है कहिए नहीं। अब आप तो पहले बुजुर्ग से बात किए ही, हम तो अभी युवा हैं, सीख रहे हैं, लेकिन अब युवा के तौर पे मेरा इतना अनुभव है कि ये बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। जो निवर्तमान मुखिया थे वो 10 साल में भी जो काम नहीं कर पाए, उन्हें इन्होंने 5 साल में वो काम करके दिखा दिया। तो हम सब करवासी पंचायत के जितने युवा हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हों, हम इनके समर्थन में खड़े हैं, इनके लिए। मेरा नाम दिवाकर कुमार।
ये थे करहसी पंचायत के वर्तमान मुखिया धनंजय कुमार सिंह, और इस बार दूसरी बार चुनावी मैदान में है। अब देखना यह होगा कि जो नवे चरण में मतदान होगा तो जनता इनको कितने प्रतिशत मत देती है, किस तरीके से दोबारा जीत दिला पाती है, यह तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ डीटीवी भारत के लिए रोहतास के करहसी पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।